हाँ जी दोस्तों, कैसा व्यू आ रहा है सामने का? आ रहा है ना जबरदस्त। चांसल पास से आगे अब मैं निकल चला हूँ। आगे दो गांव हैं, एक डोडरा एक कवार। डोडरा तो खैर काफ़ी दूर पड़ेगा, लेकिन अपनी रेंज अभी है कवार तक की। अभी टाइम हो चुका है एक, और एक बज गया, जिस वजह से मुझे टाइम से वापस भी आना है। तो मैं अभी ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊँगा, मतलब कवार तक जाऊँगा पहले। ऊपर से भैया एक टेंशन और है, अब मुझे नहीं पता कि मेरे बाइक की रेंज कितनी है कितनी नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है 60 किलोमीटर की। वैसे इतनी तो नहीं होगी, होगी थोड़ी ज़्यादा ही, बट दिखा इतनी रहा है भैया। देखते हैं कैसे होता कैसे नहीं होता है। तो बहुत बड़ी टेंशन ही है, क्योंकि अभी मेरे को नीचे वापस पहुँचना है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। थोड़ा सा मैं रिलैक्स इसलिए भी हूँ क्योंकि कल भी रेंज कम दिखा रहा था, लेकिन मैं काफ़ी दूर तक आ गया था। अभी आप ये देख रहे हो ना जो रोड कंडीशन है, ये पहाड़ काट काट के रोड चौड़ा किया जा रहा है, ताकि आगे वाले रूट को प्रॉपर कनेक्टिविटी दी जा सके। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूं तो क्या ना करूं। यहाँ पे कोई बंदा मिले तो उससे मैं पूछूं, शायद मुझे कार में फ्यूल मिल जाए, भले ब्लैक में मिले, मिल जाए तो। भाई जी आगे फ्यूल कहीं मिल जाएगा? मिलेगा नहीं? चिड़गांव में ही। मैं क्या कोई ब्लैक में कई बार मिल जाता है? नहीं नहीं नहीं, पेट्रोल आपने जाना कहाँ है? कुवार तक जाऊंगा। आप एक नंबर नोट कीजिए, एयरटेल का है आपके पास? नहीं एयरटेल का नहीं है। कुवार में मिल जाएगा? एक मिनट रुको, कुवार में मिल जाएगा? फोन है, जियो नहीं चलता यहाँ पे? जियो नहीं, यहाँ एयरटेल एंड बीएसएनएल ओनली। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी थैंक यू। हेलो भाई, उम्मीद तो जगी है कि आगे अपने को फ्यूल मिल जाएगा, चलो देखते हैं। दोस्तों मैं ना एक बात तो आपको गारंटी से बोल देता हूँ, भैया जब ये रोड बन जाएगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत जगह कोई और होगी यार घूमने फिरने के लिए। मनाली कुल्लू तो क्या रह जाएगा यार इसके सामने। अभी रोड ख़राब है और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, तो लोग आते हैं चांसल तक, घूमते हैं और वापस चले जाते हैं, आगे नहीं आते। जबकि आगे जो नज़ारे हैं ना, आप खुद देखो सामने, चेक करो क्या नज़ारे हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं। ये नज़ारे लेने के लिए लोग थोड़ा सा वही है कनी काट जाते हैं, एक तो रोड की कनेक्टिविटी और दूसरा स्टे की ऑप्शन। ये है कि स्टे की ऑप्शन थोड़ी बहुत तो है वहाँ पे, होम स्टे वगैरह मिल जाते हैं। तो जैसे जैसे रोड कनेक्टिविटी बेटर होगी तो भैया प्रॉपर्टीज़ भी बनेंगी। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ रोड को बनाया जा रहा है ज़बरदस्त तरीके से, बस ये बन जाए उसके बाद फिर बल्ले बल्ले इस एरिया की और नज़ारा आएगा पूरा पूरा। दोस्तों नज़ारे कैसे लग रहे हैं यार, ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो इन्हीं नज़ारों के और ज़्यादा रील शॉट फोटोज़ देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक को भी फॉलो करो, आपके लिए ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त कंटेंट आता रहेगा। भाई मैं तो मज़े कर ही रहा हूँ, साथ में आपको भी मज़े कराऊँगा। अब आपको ये सब नेचर देख के मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताओ यार। देखो है ना ज़बरदस्त, और कितनी हाइट में हम लोग, खुद ही अंदाज़ा लगा लो। यहाँ पे आप यकीन नहीं करोगे, ठंड के मारे मेरी जबान कांप रही है। डोडरा रह गया 16 किलोमीटर। अब डोडरा कवार क्या है वो भी सुन लो। डोडरा कवार दो गांव हैं, और दोनों गांव के बीच में कम से कम नहीं तो 24 से 25 किलोमीटर का फ़र्क है। एक एक पहाड़ पर है, दूसरा दूसरे पर है। ऊपर जब मैं खड़ा था चांसल पास पे, तो उस टाइम पे एक भाई मेरे को मिला था, उससे मैंने पूछा था, मैं कहा भाई मैं जा रहा हूँ नीचे डोडरा के लिए, कवार के लिए, तो क्या बेस्ट रहेगा? वो कहता जी देखो डोडरा में इतना कुछ खास नहीं है, कवार में ज़्यादा बढ़िया है, वहाँ पे हेलीपैड वगैरह भी है और भी बहुत कुछ है, तो आप उधर चले जाओ। बट एक चक्कर और है, वो कहता जी वहाँ पर जाने से पहले कास्ट पूछते हैं, कास्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पर जाने की लोकल लोग परमिशन देंगे। ये सुन के ना मेरा मूड वैसे तो काफ़ी हद तक ख़राब हो गया कि यार आज के टाइम में भी ये सब चल रहा है। वही कहते हैं ना हिमाचल के जो ये एरिया है ना, ये बिल्कुल कट है हिमाचल से, मेन स्ट्रीम से बिल्कुल कट है एरिया ये, जिस वजह से अभी भी यहाँ पे ये कास्ट का चक्कर है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी सिर्फ मंदिर में जाने के लिए कास्ट पूछते हैं, और कोई कह रहा है कि जी गाँव में जाने के लिए भी कास्ट पूछते हैं। तो मैंने कहा भैया ये जो डाइसी काम है वो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्यों भाई? पता नहीं तो ऐसा है, पता नहीं तो वैसा है। अब मैं इतनी दूर जाऊं ऐसी रोड पे और सामने वाला कह देंगे नहीं जी आपको तो गांव में एंट्री नहीं है, तो फिर कुछ नहीं कह सकते।
इसलिए अभी हम जो अपना ये एडवेंचर है ना ये रखेंगे कुवार तक, कुवार तक नहीं सॉरी डोडरा तक। पहले डोडरा आएगा, कुवार बाद में आएगा। तो डोडरा में चलते हैं, लंच का टाइम हुआ है, लंच करते हैं चल के वहाँ पे। वहाँ पे एक नेगी ढाबा है, मैंने बहुत नाम सुना है, नेगी ढाबा पे चल के खाना पीना करते हैं। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, वैसे तो डोडरा की ज़्यादा वीडियो है नहीं, पर जितनी भी दो या तीन वीडियोस मिली मेरे को तो उसमें मैंने यही देखा कि भाई खाने पीने के लिए तो एक ही जगह है नेगी ढाबा। तो नेगी ढाबा चलते हैं और अपना लंच वहाँ करते हैं। लो भाई दोस्तों, यहाँ पे तो चल रहा है रोड पे काम, अब देखते हैं हमें साइड मिलती है कि नहीं मिलती। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, जब तक ये रोड पे हैं, ये नीचे रोड देखो, इन्हीं रोड को कवर करके हमने नीचे उतरना है। बाप रे कितनी उतराई उतरनी पड़ेगी अभी तो, और भैया वापसी भी ऐसी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। चलो देखते हैं, यही तो पार्ट ऑफ एडवेंचर है, करते हैं मजे। 20 मिनट वेट कराने के बाद भाई ने हमें साइड दे दी कि जाओ जी आप चले जाओ। चलो यहाँ पे जेसीबी की खुदाई देखनी पड़ी यार, ये रेंज का नहीं समझ आ रहा। पहले 60 दिखा रहा था, फिर चलने लगा 100 110 पे आ गई, अब फिर 70 दिखा रही है। पता नहीं क्या चक्कर है यार, मेरे ख्याल से बाइक अगर ढलान पे खड़ी हो या चढ़ाई पे खड़ी हो तो उसका भी थोड़ा सा फ़र्क आता है। बट चलो जैसे तैसे करके अभी डोडरा पहुँच के वहाँ पे फ्यूल लेते हैं भैया, ब्लैक में थोड़ा सा लेना पड़ेगा फ्यूल। काफ़ी उतराई उतरते जा रहे हैं और रोड कंडीशन तो आपके सामने ही है, और साथ साथ में नज़ारे भी बदलते जा रहे हैं। अभी बिल्कुल हाइट पे थे हम लोग, अब देखो नीचे आए हैं, उतराई उतरी है थोड़ी सी, तो अब जंगल आना शुरू हो गया। अब जंगल के बीच में से निकलेंगे, पुल वगैरह अच्छी तरह से बन रहे हैं ताकि जब ये रोड ओपन हो तो फिर बढ़िया तरीके से ही हो। हैं क्या बात, ये बरसाती नाला होगा जिसको कि अभी बाईपास किया हुआ है। ये कहाँ पहुँच गए हम, गजनी थाग। गजनी यहाँ से गया था क्या? ये गद्दी लोगों के ढाबे बने हुए हैं भैया, जो गद्दी लोग होते हैं ना, भेड़ बकरियाँ लेके चलते हैं, ये उनके ठिकाने हैं सारे। जंगल में इतनी हाइट पे तो वही लोग आते हैं, यहाँ मेरे जैसे पागल आते हैं। बाइक में फ्यूल कम है फिर भी उल्टी साइड पे जाना कौन सी समझदारी है, इसीलिए क्या बोलूँ अब मैं। खुद को क्या बोलूँ, आप क्या नाम दोगे अगर मुझे देना चाहो तो बताओ मेरे को कमेंट में कि आपके पास फ्यूल कम है फिर भी आप उल्टी साइड पे जा रहे हो, और इतने फ्यूल में आप चांसल के दूसरी तरफ उतर सकते थे, मतलब कि जिस तरफ से आए थे उस तरफ से वापस जा सकते थे बिना किसी टेंशन के। अभी आप ये सोचो कि पहले तो उतराई उतर रहे हैं, फ्यूल मिल गया बहुत अच्छी बात, नहीं मिला इसी रूट से वापस चढ़ाई चढ़नी है, फिर फ्यूल कंजम्पशन खुद सोच लो, तब क्या किया जाएगा भैया, सोचने वाली बात है। चलो जो होगा देखी जाएगी, मालिक के आसरे, मालिक के ऊपर छोड़ते हैं, जो दिन दिखाने होंगे दिखा। वैसे तो आपके सामने ही है भाई, मिला उसने बता दिया उन्होंने कि भाई आप फ़ोन कर लेना आपको फ्यूल मिल जाएगा, बंदा रखता है ब्लैक में फ्यूल, तो चलो अगर मिल जाए तो अच्छी बात है भाई। अब जैसे उतराई उतर रहा हूँ ना, फ्यूल कम लगता है तो हल्का गेज भी ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। अभी आप सामने देख सकते हो बघीरा अपना 130 की रेंज दिखा रहा है, पहले दिखा रहा था सिर्फ 70 की, डोडरा अभी रह गया 10 किलोमीटर, अभी हम 5 किलोमीटर उतरे हैं सिर्फ। दोस्तों यहाँ पे एक ये छोटी सी जगह नजर आई है बस, बाकी रोड तो थोड़ा सा साफ ही है। मैं जिस रोड से आया हूँ ना, जिस रोड से चांसल पास तक पहुँचे थे भैया, उसके मुकाबले ये रोड बहुत अच्छी है और साफ सुथरी है। ये बीच में एक जगह थोड़ी सी आई है जहाँ पे मुझे लगा कि बारिश के टाइम पे पानी इसके ऊपर रोड से निकला है, जिस वजह से ये रोड थोड़ी ख़राब हुई हुई है। अदरवाइज़ ये रोड मिट्टी डली हुई है ना साइडों पे और गाड़ियाँ चलने के निशान है, तो उस वजह से उसके ऊपर से बहुत सॉफ्टली आराम से निकल रहा हूँ, कोई ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही। आप चेक करो यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ और मेरा बघीरा, अब आप लोग भी साथ में हो,
कितना प्यारा और कितना खूबसूरत जंगल है और कितना डेंस जंगल है ना कमाल। अभी यहाँ से डोडरा बचा है 6 किलोमीटर और अपना बगीरा अभी रेंज दिखा रहा है 140 किलोमीटर की। पता नहीं क्या कर रहा है यार, कभी तो भैया 70 किलोमीटर की रेंज दिखा के एकदम से जान हलक में ला देता है, कभी बोलता नहीं कोई बात नहीं रिलैक्स करो है 140 की रेंज है, पर फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे, जाके डोडरा में फ्यूल पता करेंगे और फ्यूल लेंगे और वहाँ पे खाना पीना भी करते हैं चल के। दोस्तों ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये है डोडरा गांव जो आज की हमारी डेस्टिनेशन है अभी, और देखते हैं यहाँ घूमने के लिए क्या क्या है। तो बहुत रिमोट एरिया में यार, कैसे आप खुद देखो ना कैसे गांव बना हुआ है, बिल्कुल पहाड़ के एकदम टॉप पे, टॉप तो नहीं कह सकते लेकिन रिज पे बना हुआ एकदम से। वाह जी वाह, चलो आओ थोड़ा सा घूमते हैं यहाँ पे। क्या बात है जी, क्या बात है, नेगी ढाबा सामने नज़र आ गया। लो जी विलेज डोडरा, ये है नेगी ढाबा। चलो यहाँ पे रुकते हैं दो मिनट, देखते हैं यहाँ पे खाने पीने को क्या मिल सकता है। दोस्तों पहुँच तो गए हम लोग डोडरा में, ये डोडरा गांव है, यहाँ पे आगे लड़कियों का स्कूल है, मुझे जहाँ का आवाज़ आ रही है भाई। लड़कियों की आवाज़ें आ रही हैं। चलो देखते हैं गांव में कहाँ से जा सकते हैं, पहले तो कुछ खाना पीना करें यार, भूख लगी हुई है। हाँ जी भाई लोग, ये कुछ लोकलाइट हमें यहाँ पे मिले हैं। भाई पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम युवराज है। युवराज, और आपका? सुभाष। सुभाष, क्या करते हो आप लोग? कृषि करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी डोडरा में ही? कहाँ खेत कहाँ है अपने? अच्छा, गांव के साथ नीचे। ये बच्चे अभी पढ़ के आ रहे हैं, ये भागनी भागनी लड़कियां। बच्चे बच्चे क्यूट होते ही हैं। ये देखो तो, ये देखो मठिया, तुसे मठिया है, ये मठिया शर्माई शर्मा रहे हैं। बस आए थे यहाँ पे नेगी भोजनालय पे भोजन करने के लिए। अच्छा। बस अब यहाँ से भोजन करके निकलेंगे वापस, और क्या। अभी गांव में जाओ ना, पर यहाँ पे गांव देखेंगे ड्रोन से, आपको भी दिखाएं ड्रोन से। दोस्तों इस जगह की ब्यूटी देखो। मैंने भाई से मांगा पानी पीने के लिए और भाई सिंपल नलके से पानी दे रहा है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको पता है कि यहाँ पे पानी कितना फ्रेश है और कितना ताज़ा है कि आप इसको नॉर्मल टैप वाटर भी पी सकते हो। हम लोग तो भैया पहले फिल्टर लगाओ, ये करो वो करो, तब जाके पानी पीते हैं। ये देखो जी, ये है पहाड़ों से एकदम फ्रेश पानी है। क्या बात है, थैंक यू भाई जी। दो गिलास भी दो फिर पानी पी लिए। अब तो वैसे भी पेट्रोल अंदर गया हुआ है, वो देख वो जो दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ से, वीडियो में सब आएगा। हाँ तेरा पेट्रोल की बोतल दिख रही है सारी उधरी। ये भाई बंदा, ये यहाँ पे साथ में ठेका भी आई, सीधी सी बात है, तो बंदा यहाँ से अपना पेट्रोल पानी का इंतजाम लेके गया यहाँ से। तो पानी पीते हैं ठंडा ठंडा, कहते जी आओ आपको चाय पिलाते हैं। मैं कहा भाई चाय तो मैं पीता नहीं, फिर पानी पी लेते हैं। दोस्तों ये है पूरा नज़ारा गाँव का, और ड्रोन शॉट में तो मैंने आपको कोशिश की दिखाने की, पूरा गाँव दिखाया। ये आपको बीच में हल्के से चोंच नज़र आएगी, ये जो आप देख रहे हो ये डोडरा गांव का मेन मंदिर है, और भी दो मंदिर हैं लेकिन ये मेन मंदिर है। ड्रोन शॉट में आपने देखा होगा कि मैंने स्पेशली एक फोकस किया था इस मंदिर पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कुछ लोकल खड़े थे तो उन्होंने बताया कि ये मेन मंदिर है डोडरा गाँव का। बहुत ज़बरदस्त है यार, बाकी एरियाज तो आप चेक करो, है ना ज़बरदस्त। और यहाँ पर इनके पास ये होम स्टे भी अवेलेबल है। अभी मैं हूँ यहाँ पर नेगी भोजनालय पर। एक चीज़ और बताता हूँ भैया, खैर मेरे मतलब की नहीं है, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो। कई हमारे भाई होते हैं जिनको राइड करने का थकावट हो जाती है, वो थकावट उतारनी होती है, उसका भी पूरा इंतजाम यहाँ पे है। ठेका अंदर है, कमरे यहाँ पे हैं, अपना सामान लो। जो पीछे मेरे भाई देखो एंजॉय कर रहे हैं,
इस तरीके से आप भी इंजॉय कर सकते हो। लो जी दोस्तों ये देखो, ये ट्रेडिशनल अंगीठी चल रही है और अंगीठी पे सारा कुछ खाना वाना पक रहा है ना, मजेदार मिलता कहीं आजकल देखने को? सिर्फ जब जहां जाओ गैस मिलेगी आपको, लेकिन यहाँ पे लकड़ी पे चल रहा है काम। क्या बात है, वाह भाजी। कितना टाइम लगेगा अभी? बस ठीक है फिर, आज खा के जाएंगे, वेट कर रहे हैं आपके। हाँ लो भाई दोस्तों, अंगीठी पे बना हुआ खाना आ गया, सिंपल सादा और बढ़िया जबरदस्त वाला। काले चने हैं साथ में चावल है, और ये देखो ये पहाड़ों की खासियत, ये मिर्ची है वो भी तली हुई है ना, मज़ेदार। मैं भले नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं मिर्ची खाता नहीं ज़्यादा। चलो ये खाते हैं दोस्तों, खाना बहुत मज़ेदार है यार, मज़ा आ गया खा के, ज़बरदस्त। जैसे कहते हैं गैस का और चूल्हे पे बने खाने का टेस्ट का फ़र्क ज़रूर होता है, वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है, बहुत मज़ेदार खाना है। ट्राई की जाए, मैं तो कभी खाता नहीं, आज ट्राई करके देखते हैं। और बहुत तेज है भैया,